सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिश को लेकर। जी हाँ, तेज बारिश के चलते देश के कई राज्यों में हालात खराब हैं। उत्तर प्रदेश में 55 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रदेश में घाघरा गंगा और राप्ती नदी उफान पर है। वाराणसी में करीब 30 फीट घाट डूब गया है। आपको बता दें कि बिहार में नेपाल से सटे इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालांकि बिहार में मॉनसून कमजोर नजर आ रहा है। गुजरात के पोरबंदर में भी तेज बारिश बढ़ गई है। आपको बता दें कर्नाटक में शिगाव के मदापुरा गांव में एक घर की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 2 बच्चे समेत 3 की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 21 जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों जैसे कि बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, राजनांदगांव और खैरागढ़ छुई खदान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। आपको बता रहे देश भर में बारिश से लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बाढ़ तो कहीं आफत की बारिश बरसते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के भी 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश भर के अलग अलग राज्यों से, जहां बारिश ने हाहाकार मचा रखा है।